नमस्कार दोस्तों, मैं नीति। इस वीडियो में हम माइग्रेशन या देशांतरण अथवा प्रवास का अर्थ और उसके प्रकार देखेंगे, साथ ही साथ इंटरनेशनल और नेशनल या इंटरनल माइग्रेशन क्या है ये भी जानेंगे। प्रवास या माइग्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द माइग्रेट अथवा माइग्रेट से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है मूव्ड या शिफ्टेड अथवा मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अर्थात मूव्ड होना या शिफ्ट होना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन की प्रक्रिया। बेकर के अनुसार माइग्रेशन इज द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्पाइटल यूनिट टू अनदर, अर्थात प्रवास एक स्थानिक इकाई से दूसरी में जाने की प्रक्रिया है। यहाँ स्थानिक इकाई का आशय गांव, शहर, कस्बे, देश अथवा किसी भी क्षेत्र इत्यादि से है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो स्थायी या अस्थायी रूप से दुनिया के किसी भी क्षेत्र, मुख्यतः किसी राजनीतिक सीमा को पार कर दूसरी जगह स्थायी या अस्थायी तौर पर, अर्थात परमानेंट या टेम्प्रोरी रूप से निवास हेतु आवागमन या आने जाने की प्रक्रिया ही प्रवास कहलाती है। It is very clear that migration is the movement by people from one place to another with the intention of set, अर्थात प्रवास लोगों द्वारा किसी एक स्थान पर बसने, सेटल होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की गतिविधि या प्रक्रिया है। माइग्रेशन में भी इंडिविजुअल, फैमिली यूनिट्स और इन लार्ज ग्रुप्स, अर्थात प्रवास व्यक्तिगत, पारिवारिक इकाई या बड़े समूहों में भी हो सकता है। प्रवास की प्रक्रिया की भी अपनी कुछ आवश्यक शर्तें या विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर हम प्रवास की प्रक्रिया, उसके प्रकार इत्यादि का निर्धारण करते हैं। हम ये भी डिसाइड करते हैं कि आप प्रवास है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति अगर एक दिन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, होटल में रहता है, तो हम इसे प्रवास नहीं कह सकते। प्रवास यानी पर आवास यानी दूसरा निवास या दूसरा निवास स्थान, अर्थात जिसमें निवास स्थान में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन एक निश्चित समय अंतराल या निश्चित समयावधि के लिए होता है। आइए अब जानते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। पहला है चेंज इन प्लेस और ज्योग्राफिकल एरिया, अर्थात स्थान में अथवा भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन। यह भौगोलिक क्षेत्र या स्थान गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, देश भी हो सकता है या कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। दूसरा है चेंज इन रेजिडेंस, अर्थात निवास स्थान में परिवर्तन, जो कि प्रवास का मुख्य लक्षण है। निश्चित समयावधि या अंतराल भी प्रवास की प्रक्रिया का प्रमुख लक्षण या विशेषता है। इसके अलावा स्थान, चॉइस और नीड यानी आवश्यकता या चयन, और रिसोर्सेस अर्थात उपलब्ध संसाधन पर भी प्रवास की प्रक्रिया निर्भर करती है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। प्लेस या स्थान की बात करें तो यह दो तरह का हो सकता है, ओरिजिन प्लेस और डेस्टिनेशन प्लेस। ओरिजिन प्लेस हमारा वर्तमान निवास स्थान होता है, वहीं डेस्टिनेशन प्लेस वो लक्षित क्षेत्र होता है जहाँ हम जाना चाहते हैं। प्रवास के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। प्रवास को हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं या विभिन्न समूहों में रख सकते हैं। हम इन्हें ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांट सकते हैं, परमानेंस यानी स्थायित्व के आधार पर भी बांट सकते हैं, टर्म या ड्यूरेशन यानी समयावधि के आधार पर, या फिर च्वाइस और नीड यानी कि चयन या आवश्यकता के आधार पर, अथवा धारा यानी स्ट्रीम के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर प्रवास कई तरह का होता है। पहला, इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन। जब प्रवास दो या अधिक कॉन्टिनेंट्स के विभिन्न देशों के बीच होता है, तब उसे इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन कहते हैं, जैसे साउथ अमेरिका के किसी देश से एशिया के किसी देश के बीच होने वाला प्रवास। दूसरा है इंट्राकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन। यह वह प्रवास है जिसमें प्रवास की प्रक्रिया एक ही कॉन्टिनेंट के देशों के बीच होती है, जैसे एशिया के विभिन्न देशों के बीच होने वाला प्रवास। जब कोई व्यक्ति अथवा समूह एक क्षेत्र अथवा देश से दूसरे क्षेत्र अथवा देश जाता है, तो इस तरह का प्रवास इंटरनेशनल या अंतर क्षेत्रीय अथवा इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। वहीं जब कोई व्यक्ति अथवा समूह एक ही क्षेत्र अथवा देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी या अस्थायी रूप में बस जाते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया इंट्रा रीजनल या इंटरनल अर्थात अंतरा क्षेत्रीय या आंतरिक प्रवास कहलाती है। जब भी किसी देश की जनसंख्या की बात की जाती है, तब ग्रामीण शहरी जनसंख्या की बात अवश्य की जाती है, क्योंकि आंतरिक प्रवास मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों के बीच होता है। भारत की कुल जनसंख्या का 31% भाग शहरी क्षेत्रों में और 69% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। जब प्रवास ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के बीच होता है, तो उसे रूरल अर्बन माइग्रेशन कहते हैं, या चार तरह से हो सकता है, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी और शहरी से ग्रामीण क्षेत्र की ओर।
ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसी, स्थायित्व के आधार पर प्रवास निम्न प्रकार का होता है। पहला है परमानेंट या स्थायी प्रवास, यह वह प्रवास है जिसमें व्यक्ति अपने निवास क्षेत्र में परिवर्तन स्थायी रूप से करता है। दूसरा है टेम्परेरी या सीजनल माइग्रेशन अर्थात अस्थायी या मौसमी प्रवास, यह वह प्रवास है जिसमें व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अस्थायी रूप से अपने निवास स्थान में परिवर्तन करता है, जैसे बाढ़, भूकंप, कृषि कार्यों से मुक्त होने पर किसानों या कृषि मजदूरों द्वारा किया जाने वाला प्रवास आदि। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस। वॉलेंट्री या स्वैच्छिक प्रवास वह प्रवास है जिसमें व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अपनी इच्छा से अपने निवास क्षेत्र में परिवर्तन करता है, जैसे उच्च रहन सहन की लालसा, अच्छी व सस्ती सुविधाएं आदि। वहीं दूसरी तरफ जब व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह बाढ़, भूकंप, धार्मिक प्रताड़ना, राजनीतिक अस्थिरता, रोजगार की कमी इत्यादि के कारण मजबूरीवश प्रवासित होते हैं, तो इस तरह का प्रवास इम्पेल्ड या इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक प्रवास कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन अर्थात समयावधि के आधार पर प्रवास, इस आधार पर यह दो तरह का होता है। लॉन्ग टर्म माइग्रेशन या दीर्घावधि प्रवास, यह वह प्रवास है जब व्यक्ति अपने निवास स्थान में परिवर्तन लंबी अवधि के लिए करता है। इस तरह के प्रवास में व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह के स्थायी होने की संभावना अधिक होती है। शॉर्ट टर्म माइग्रेशन या लघु अवधि प्रवास वह प्रवास है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कम अवधि के लिए प्रवासित होता है तथा कुछ समय पश्चात अपने निवास स्थान पर वापस आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम अर्थात प्रवाह के आधार पर प्रवास, इस आधार पर प्रवास दो तरह का होता है, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन वह माइग्रेशन है जिसमें व्यक्ति या समूह किसी क्षेत्र में आकर बसते हैं, उदाहरण के तौर पर कानपुर से लखनऊ में आकर बसना, तो इस तरह का प्रवास इन माइग्रेशन है। जब व्यक्ति या समूह किसी एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाके बसते हैं तो इस तरह का प्रवास आउट माइग्रेशन कहलाता है, उदाहरण के तौर पर लखनऊ को छोड़कर कन्नौज जाकर बसना। डेली माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, कैजुअल माइग्रेशन, ये प्रवास के कुछ अन्य प्रकार हैं। डेली माइग्रेशन वह माइग्रेशन है जिसमें व्यक्ति या समूह दैनिक आधार पर प्रवास करता है, जैसे शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि के कारण। सीजनल माइग्रेशन वह माइग्रेशन है जिसमें मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रवास होता है, जैसे किसान, कृषक मजदूरों आदि में। कैजुअल माइग्रेशन वह माइग्रेशन है जिसमें व्यक्ति विषम परिस्थितियों के कारण, धार्मिक, विदेश इत्यादि के कारण प्रवास करता है। अभी हमने प्रवास के सामान्य प्रकार देखे, अब हम आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रकार देखेंगे। आंतरिक प्रवास या राष्ट्रीय प्रवास के प्रकार। आंतरिक प्रवास वह प्रवास होता है जो किसी एक देश के अंदर होता है। ये प्रवास कई प्रकार का हो सकता है, जैसे मैरिटल माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, एसोसिएशन माइग्रेशन, रिलेटिव माइग्रेशन, इंटर रीजनल या इंटर स्टेट माइग्रेशन, डेली माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, परमानेंट और टेम्प्रोरी माइग्रेशन, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री माइग्रेशन। निम्न में से अधिकतर प्रवास हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। यहाँ तीन नए प्रवास हैं। पहला है मैरिटल या वैवाहिक माइग्रेशन, यह वह प्रवास है जिसमें व्यक्ति या समूह का प्रवास विवाह के कारण होता है, महिलाओं में यह अधिक देखने को मिलता है। दूसरा है एसोसिएशन या रिलेटिव या संबंधता जन्य प्रवास, यह वह प्रवास है जिसमें प्रवासी व्यक्ति या समूह के कारण उसके परिवार के अन्य संबंधियों का भी प्रवास होता है। तीसरा है इंटर स्टेट या अंतरप्रांतीय प्रवास, यह वह प्रवास है जिसमें प्रवास की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों के बीच होती है। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वह प्रवास है जिसमें एक व्यक्ति या समूह किसी एक देश से दूसरे देश को प्रवासित होता है। इस तरह के प्रवास को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन या आव्रजन का मतलब है जब कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य देश से किसी एक देश के अंदर आता है तो इस तरह का प्रवास आव्रजन कहलाता है, उदाहरण के तौर पर अमेरिका से किसी व्यक्ति या समूह का आकर भारत में बसना। एमिग्रेशन अर्थात प्रव्रजन। प्रव्रजन वह प्रवास है जिसमें व्यक्ति या समूह किसी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसता है, उदाहरण के तौर पर भारत को छोड़कर अमेरिका में जाकर बसना, या कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी जॉब लगी तो आप जा रहे हैं। इट मीन्स कि यह टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। प्रवास चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, इसके पीछे कई कारक सक्रिय होते हैं। ये कारक पुश फैक्टर भी हो सकते हैं और पुल फैक्टर भी हो सकते हैं, अर्थात ये नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक कारक भी हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी देश या क्षेत्र को छोड़ता है तो कई बार वो विभिन्न आपदाओं या फिर धार्मिक विषमताओं, राजनीतिक असमानताओं की वजह से देश छोड़ने को मजबूर होता है। थैंक यू।